Mano! A re? Mano, mi Gayatri ko bachalo, please. अगर उसे कुछ हो गया ना महेंद्र, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे उर्मिला, ये अचानक क्या हो गया तुझे? वहां अन्ना भाई के घर पे तो मुझे रोने से रोक रही थी तू, सबकी हिम्मत बंधा रही थी। पर वहां अगर मैं रोने लगती तो अन्ना भाई का क्या हाल होता? ऐसे टाइम पे उनको हिम्मत बंधाने भी तो जरूरी है कि नहीं? लेकिन मैं सच कहूं महेंद्र, मैं बहुत डर गई हूँ। मेरी गायत्री को कुछ होगा नहीं ना? कुछ नहीं होगा उर्मिला, मैं हूँ ना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मैं माता जी को एक दीवा करके आती हूँ। मेरी गायत्री की रक्षा करना वहाँ। हेलो सर, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? बिल्कुल भी पता नहीं चला ना कि हम किडनैपर नहीं, अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। अबे गधे, मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तक मैं और अभिषेक वहाँ आके गायत्री को छोड़ा ना ले, तब तक तू मुझे फोन नहीं करेगा। सर, मैंने तो खाली इतना पूछने के लिए फोन किया है कि कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना सर? देखिए सर, हमने तो खाली आपके उन 10,000 रुपयों के लिए ये काम किया है। अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा तो करियर ही खत्म हो जाएगा सर। अरे कुछ नहीं होगा, मैं खुद लड़की का बाप हूँ, पुलिस तक बात पहुंचने नहीं दूंगा मैं। आप लोग बस अच्छी तरह से एक्टिंग करते रहो। यार इतना अच्छा मौका दिया एक्टिंग करने का, ऊपर से 10,000 रुपए भी दे रहा हूं तुम्हें, वो तो सोचो। थैंक यू सर। देखो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और दोबारा मुझे फोन मत करना, समझे? रखो फोन। वाह महेंद्र वाह, क्या प्लान है तेरा हा? अब तुझे और अभिषेक को अन्ना भाई की नजरों में हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। प्रभाकर दादा, हाँ घर में इतना टेंशन चल रहा है और आप रोमांटिक हुए जा रहे हो? नहीं नहीं केशव, तू गलत सोच रहा है, मैं तो गायत्री की चिंता में गाने लिख रहा था। पूरे 1 दर्जन अप्रतिम गाने लिखे हैं उन्होंने। हाँ ये देख, समंदर सूख जाएगा तो रह जाएगा नमक। प्रभाकर दादा बंद कर दीजिए, अभी अंडा आएंगे ना तो। अन्ना और सासू भाई पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस स्टेशन। बन्नी, ये कैसा इशारा था पुलिस स्टेशन का? अरे ये पुलिस स्टेशन में से स्टेशन का इशारा था। डिस्को स्टेशन गाने में ऐसी तो नाची थी रीना रॉय। डिस्को स्टेशन, डिस्को स्टेशन, डिस्को स्टेशन। महेंद्र भाव ने मना किया था पुलिस स्टेशन मत जाना, फिर क्यों गए अन्ना पुलिस स्टेशन? अन्ना सही कर रहे हैं केशव, ऐसे मामलों में पुलिस को बताना जरूरी है, वो लोग तुरंत ढूंढ निकालेंगे गायत्री को। तुम लोग गायत्री को ढूंढ रहे हो? ओ हो अमोल बाड़ा, मुझे मिल गई है गायत्री। मिल गई? अरे वाह, कहाँ है वो? चलो मैं दिखाता हूँ। चलो 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 चलो, कोई नहीं है। भूख लगी है, क्या करूं? इस डब्बे में कुछ ना कुछ जरूर होगा। इतना हूँ। वाकर बड़ी वाह। अभिषेक काका, यहाँ समग्र ग्रहवासी गायत्री काकी जी के अपहरण की घटना से विचलित होकर इस तरह विषाद की धुरी पर घूम रहे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर। इस ग्रह के प्रसन्नता का सूर्य अस्त हो गया है, अमावस में चंद्र के भांति गायत्री काकीशी इस ग्रह के आकाश से लुप्त हो गई है, और आप यहाँ रसोई कक्ष में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एक मिनट, तो भूख के मारे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, और ऊपर से चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है, ऐसे सवाल मुझे मत पूछ। काका, मैं सूर्य और चंद्र नहीं, आप पर लगे हुए ग्रहण की बात कर रहा हूँ। यहाँ गायत्री काकी को कोई उठा कर ले गया और आप यहाँ चैन से खा रहे? यहाँ समस्त ग्रहवासी उन्हें ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अन्ना और राजी तो पुलिस स्टेशन गए हैं, और आप यहाँ? क्या 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 बोला तू? अन्ना और राजी पुलिस स्टेशन गए, लेकिन मैंने और पापा ने मना किया था उन्हें। लेकिन अन्ना ने कहा कि ऐसे समय पर पुलिस से मिलना ही उचित होगा, और ऐसी बात नहीं है कि अन्ना जो उचित है वही करते हैं।
किंतु मेरे अन्ना जो करते हैं ना वही उचित होता है। वो पप्पा को जाके बताना पड़ेगा कि अन्ना उचित गए, जो हमारे लिए पुलिस नहीं होगा। अरे बाप रे। कहीं काका के कहने का अर्थ ये तो नहीं था कि अन्ना पुलिस स्टेशन गए, जो उनके और महेंद्र काका श्री के लिए उचित नहीं होगा। किंतु काका ने ऐसा कहा क्यों? अमोल बड़ा, तुम्हें पक्का यकीन है तुमने गायत्री को ही देखा? हाँ, इसलिए तो मैंने बोला कि गायत्री मिल गई। लेकिन वो है कहाँ? हाँ, अरे चलिए तो सही, मैं दिखाता हूँ। हाँ, आ गई गायत्री। आ गई गायत्री? कहाँ है गायत्री? हाँ, हमें तो कहीं दिख नहीं रही। अरे इधर नहीं, ऊपर। भाई 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 गायत्री ऊपर चली गई। चुप चुप बोलिए भाईनी। बरबर अमोल भाऊजी क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। वो देखो, वो ऊपर गायत्री जी ए गा वाई ए या ई आर आई ट्री गायत्री है ना गायत्री। अमोल बाड़ा, ये गायत्री नहीं, हमारी गायत्री महेंद्र भाऊ की गायत्री। हाँ तो ये महेंद्र अंकल की गायत्री है, आपको तो कुछ नहीं मालूम। अभी गायत्री मिल गई फिर भी खुश नहीं हो रहे। ए, अमोल हमें जीती जागती मैं गायत्री हूँ ऐसा बोलने वाली गायत्री चाहिए। हाँ अच्छा, ये आपने मुझे पहले नहीं बोला। अभी वैसी गायत्री ढूंढनी पड़ेगी। चल अमोल बाड़ा। गायत्री सावित्री। अरे अन्ना भाई को पुलिस के पास जाने से रोकना चाहिए था तुझे। अगर उन्हें पता चल गया कि गायत्री का किडनैप करने में हम दोनों का हाथ है तो हम दोनों जाएंगे जेल। जेल? हाँ जेल। कैदी नंबर 420 और कैदी नंबर 840 की जर्सी पहन के ऐसे खड़े होंगे हम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो घर का टिफिन अलाउ करते हैं या नहीं। मैं फोन करके देखता हूँ। हाँ तुरंत फोन कीजिए, तुरंत फोन कीजिए। हेलो कानूनगो साहब, केम छो? कानूनगो? दीपक कानूनगो, हाईकोर्ट के वकील है मेरे दोस्त। हाँ कानूनगो साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। अगर किडनैपिंग के केस में कोई अंदर चला जाता है जेल में तो घर से खाना मंगवा सकते हैं क्या? पापा? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था मैं तो। वो क्या है कि आजकल केबीसी चल रहा है ना, तो अगर चांस लग गया तो पता होना चाहिए ना। पापा फोन कर कीजिए। आप फोन करके खाने के बारे में क्या पूछ रहे हैं? लेकिन तूने ही तो बोला कि फोन करो। मैंने कहा आपको अन्ना को फोन कीजिए। क्या अन्ना भाई भी जानते हैं कायदे कानून के बारे में? ये डॉक्टर, अगर अन्ना भाई से पूछेंगे तो उन्हें शक नहीं हो जाएगा? पापा पहले आप शांत हो जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अन्ना को फोन करके रोकिए, उन्हें कहिए कि वो पुलिस को कुछ ना बताए। रो पड़ी है, आपकी बेटी का सवाल है, ऐसा बताइए। अरे हाँ हाँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ हेलो हेलो अन्ना भाई। अरे महेंद्र भाव आप अभी क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरी बेटी किडनैप हो गई है। फिर से? फिर से मतलब? मुझे गायत्री तो मिल गई ना अभी। गायत्री मिल गई? क्यों तो कैसे? अरे कैसे क्या कैसे, आपको नहीं क्या पता? अभिषेक लगता है वो गधा किडनैप पर पकड़ा गया। अरे बाप रे। तो अन्ना भाई से बात कर, मैं दूसरे फोन से कानूनगो साहब को टिफिन के बारे में पूछता हूँ। पापा, पापा, हेलो अन्ना, कैसे मिली गायत्री? पुलिस को कहाँ मिली? वो पुलिस बिलिस को नहीं मिली है वो। अच्छा वो मैं मिल के बताता हूँ, अभी कहाँ हो तुम लोग? मैं अभी पापा के घर हूँ, आप कहाँ हो? मैं अभी अभी महादेव पेट में पहुंचा, अपनी दुकान के पास में खड़ा हूँ मैं। अन्ना मैं दुकान पे अभी आता हूँ। हाँ बाय। चंद्रमुखी का फोन चालू करते ही अन्ना भाई के धवा थप मैसेज आ रहे हैं। ये क्या लिखा है? कुठा है तू चंद्रमुखी? तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? लपक छपक संदेशा मिलते ही फोन करना, वाह वाह। तुम्हारे खाने के स्वाद का अभिलाषी अन्ना गोखले। देखा देखा, ऐसे इम्प्रेस किया मैंने उनको। अभिषेक अगर हम पकड़े भी गए ना तो चंद्रमुखी बन के मैं छुड़वा लूंगी, हो ना सुन भाई? आप शांत रहिए, शांत रहिए आप। शांति हूँ। पहली बात, ये चंद्रमुखी का फोन बंद कीजिए।
और दूसरी बात, गायत्री को पुलिस ने नहीं ढूंढा है। तो किसने ढूंढा है? वो पता करने के लिए हमें दुकान पे जाना पड़ेगा, अन्ना से मिलना होगा। चलिए मेरे साथ। चल चल चल। सीमा वैणी मिल गई, गायत्री मिल गई। अरे केशव, अच्छा हुआ बड़ा एन वक्त पे फोन किया तूने। मैं तो पुलिस थाने चला ही गया था, और वो इंस्पेक्टर के पास मैं शिकायत दर्ज करवाने ही वाला था कि तेरा फोन आ गया कि गायत्री में। अरे महेंद्र बाबू, मिल गई आपकी बेटी, मिल गई। ये अभिषेक, मिल गई तेरी गायत्री। गणपति बाप्पा मोरिया। लेकिन अन्ना भाई, गायत्री मिली कैसे? अरे वो मुझे मालूम नहीं है कैसे रे मिली। ओ नहीं मिली अन्ना गायत्री। गायत्री नहीं मिली? गायत्री मिली ही नहीं है, ऐसा कैसे नहीं मिली? तूने अभी फोन करके मुझे बताया ना कि गायत्री मिल गई है करके। ये प्रभाकर दादा, मैंने बोला था अमोल की बात पे भरोसा करके मुझे मत बोलो कि अन्ना को फोन कर, अन्ना को फोन कर। देखा क्या 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 अमोल की बात पे भरोसा नहीं है क्या? ए प्रभाकर दुष्ट, क्या क्या बात क्या है? वो बात ये है अन्ना की अमोल ने हमें आके बताया। तुम लोग गायत्री को ढूंढ रहे हो? मुझे मिल गई है गायत्री। मिल गई? चलो मैं दिखाता हूँ। वो देखो, वो ऊपर गायत्री। क्या ये क्या तुम लोग? अरे वो अमोल तो बेचारा है अकले का खंडर, लेकिन तुम लोगों का अक्कल का जीएसटी भी कट गया है क्या? अक्कल नहीं है तुम लोगों में? अक्कल नहीं है? बिना कुछ जांच पड़ताल के गायत्री मिल गई? अभी किधर गया केशव कावड़ा, किधर गया? देखना चाहिए ना पहले तुम लोगों को। अभी मुझे पुलिस थाने फिर से जाना पड़ेगा, वो इंस्पेक्टर हंसेगा मुझ पे। अभी चल मेरे साथ में पुलिस थाने। अरे नहीं 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 अन्ना भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे उस गुंडे ने साफ साफ कहा है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो गायत्री को। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए। अगर अन्ना पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की तो वो लोग गायत्री को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा मत कहिए आप। अन्ना भाई, ये लाचार बाप आपसे विनती करता है अन्ना भाई, पुलिस के पास मत जाइए, क्योंकि अगर गायत्री को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को। हाँ अपने आप को क्यों, कंप्लेंट आप लिखवाएंगे तो कसूरवार आप ही होंगे। मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा अन्ना भाई। अरे आपको पुलिस स्टेशन जाना है तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा आपको। अरे 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 मेरे छोटा भाऊ, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं बोलते। चलो ठीक है, मैं नहीं जाता पुलिस थाने, बस। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आपके पैर धो के पीऊंगा मैं अन्ना भाई, जिंदगी भर आपकी पूजा करूंगा। किडने पर जो भी मांग रहा है ना, हम उसे दे देंगे और गायत्री को बचा लेंगे। प्रभाकर दादा, अभी अभी हमने जो आवाज सुनी वो अगर धुंडू की हुई तो हमें पता चल जाएगा ना कि किडने पर से गायत्री को कौन से एरिया में रखा है। भारती वहीनी, आपके पास वो ढूंढू का नंबर है? हो ना, तुम फोन लावा, लवकर फोन लावा और उसे यहाँ बुलाइए। गायत्री को ढूंढने के लिए हमें उसे मिलना ही पड़ेगा। लावा। प्रभाकर दादा, किशु दादा, गायत्री मिल गई। लावा। अरे जीती जगती गायत्री, मैं गायत्री हूँ, ऐसा बोलने वाली गायत्री। अरे सच्ची मिल गई, चलो ना आप लोग। पक्का? अरे हाँ पक्का, चलो जल्दी चलो। चल, चल। आपको जीती जागती गायत्री मिली है ना? हाँ बोला तो सही, जीती जागती। मतलब मैं गायत्री हूँ ऐसे बोलने वाली ना? हाँ वो बोली भी कि मैं गायत्री हूँ। अरे वाह, कहाँ है कहाँ वो? ये रही, ये गायत्री इधर ही तो थी। तो उसे रुका के रखना चाहिए ना। अरे मैंने बोला था कि रुको मैं आ रहा हूँ। गायत्री
गायत्री, ये रही गायत्री। ये गायत्री है? हाँ, जीती जागती गायत्री, और बोलती भी है। अंडी, आपका नाम क्या है? गायत्री। ठीक है, बोलो ना गायत्री। चलो चलो गायत्री। हाँ चलो, बहुत भूख लग रही है। तुमने कहा रुकने को, तो मैं कब से रुक गई? अजी एक मिनट, अमोल रुक। आई आई आई, सॉरी भाई, आपको भूख लगी है ना, कब से खड़े हो? ये लीजिए, अच्छी जगह खाना खा लीजिएगा। सॉरी है, सॉरी।